जिहड़े हीरियां वर्गे मालक नूं छड्ड के हूरां दी आस करदे आ, अपने गोपाल नूं तज के हूरां दा पल्ला फड़ लैंदे ने, उते दूजकां दीआं टिकटां कटा लैंदे ने। सो जे चाहुंदे आ आपां नूं सुख मिलण, खुशी मिले, ता इक दा पल्ला फड़ लईए, भावें कुछ मर्जी हो जाए। बेनती करिया करिए सतगुरु जी, भावें दुख आउण भावें सुख आउण, असी तुहाडी शरण नहीं छड्डणी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुहाडा ही आसरा है सानूं, असी नहीं छड्ड के जाणा। भावें दुख आवे जीवन विच, भावें तूं सानूं झिड़क दे, जे कुर झिड़के तां मीठा लागे, जे बख्शे तां गुर वडियाई। जे साडे असी भुल करदे होईए ना, कोई गलत काम करदे होईए, झिड़कदी बापू जी असी मन लवांगे, गुरु पिता जी गुरु माता जी झिड़को सानू स्वीकार है। भावें धीरक भावें तके एक बडाई दे, भावें धीरज दे दई हथ रख दई सिर उत्ते, भावें धक्का मार दई एक वडियाई दे दी, जे धक्का मारेगा हथ ते लाएगा ना मेरे मालिक, टच ते करेगा ना सानू, साडे वल वेखेगा तां सही, असी तेरा दर नहीं छड्डणा। बस इदां कबूल कर लईए भी धक्के पैण, भावें दुख आउण भावें सुख हो, जीवन विच यह दरबार नहीं छड्डना। फिर वेखियो बख्शां जिन्हों कहने ना उच्चा दरबाबे नानक दा है उच्चा, सब तो वाकया ही उच्चा है। इत्थे बैठ के शरण विच आके बस कह दईए भी हुण नहीं जावांगे, आपां भी समर्पित हो जाइए, आपां भी इदां जुड़ जाइए ना, भी गुरु जी कुछ मर्जी हो जाए जिंदगी विच, तुहाडा दरबार तुहाडा दर नहीं छड्डांगे। ते जे आपां छड्ड दित्ता फिर रोंदे फिरांगे, चुप कराउण वाला भी कोई नहीं होना। इस मालक तो वध के अपना कोई कर ही नहीं सकता। जिहड़ी दुनिया है ना, ये सारे रिश्ते सवारते ने। किसी का काम कर दो जिन्ना टाइम आप जी को चार पैसे ने, सारे जी जी कर देते। जिस दिन पता लग गया ना भी बिपत आ गई इन्हां दे उत्ते, हुण घर विच कोई पैसे नहीं रहे, तंगी आ गई, अगले फोन चकना भी बंद कर देंदे ने, कितने कोई सवाल ही ना फाते। जे आपां किसी का किन्ना भी चंगा कर लईए ते कुछ माड़ा हो जाए अणजाण पुणे विच, जा चलो जान बुझ के किसी का माड़ा कर दिता ते बाद विच एहसास होया मेरी गलती सी, मैनू करना नहीं सी चाहिदा, ते आपां मन करके माफ़ी मंग लईए भी मेथों भुल हुई आ, अगला बेशक कह दे भी मैं तेनों माफ़ करता, पर किते ना किते वो अपनी गलती नू नाल लेके चलता है, किते ना किते उहदे मन विच गल हुंदी आ, अंदरों रंजस रखेगा ही रखेगा। ये तो एक गुरु जी ने जदों मन करके आ जाने आ, पिछले औगणा नू चतार दे भी नहीं, पिछले औगण बख्श ले जांदे ने, फिर नहीं चतारिया जाता। हुण सोच के वेखो अपने पिता नू कोई तसीहे दे दे के मार देवे, अपने बापू जी नू अपने पिता जी नू कोई तसीहे दे दे के खत्म कर देवे, बड़े तसीहे देवे, बड़ी कुटमार करे, बड़ा जलील करे, ते आपां नूं पता होवे वी इन्हां ने ये काम कीता है, इन्हां दे करके साडे पिता जी चढ़ाई कर गए, ते आपां नूं माफ करांगे जी। ओ भावें लख माफियां मंगी जावे, आपां ते अपनी अगली पीढ़ी नूं भी दस के जावांगे वी जदों भी मौका मिले बदला लै लिओ, कहांगे ना इन्हें अपने पिता नाल तुहाडे दादा जी नाल इदां कीता सी, सारा कुछ दसांगे। पर धन ने गुरु जी सतगुर सभना का भला मनाएगा। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया, जालमां ने किहदा हुक्म सी, जहांगीर का, जहांगीर ने हुक्म किए। चंदू दियां गल्लां विच आ के शेख फरीद बुखारी वर्गियां दियां गल्लां सुन के जहांगीर ने हुक्म किया, जहांगीर मेन जी वो कलम ना चला, दस्खत ना करता गुरु की शहीदी ते, की चंदू शहीद कर सकता सा? चंदू भी बहुत कसूरबार है, वह सजा भी मिली है बन की बाद, पर कन्ना जहांगीर दे चंदू ने भरे, पर कन्ना का कच्चा जहांगीर भी तो यकीन कर गया ना,
कसूरवार ते जहांगीर भी है। समा आया गुरु हरगोबिंद पातशाह जी गुरता गद्दी ते विराजे ने, निरवैर ने गुरु जी। जे मालक निरवैर है ना, गुरु भी निरवैर है। हुण जहांगीर ने सब कुछ किया, सतगुरु गुरु धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे सीस विच गर्म रेत भी पवा दिती। किन्ने नसीहे दे के सतगुरु जी नूं शहीद किया गया। गुरु जी का कसूर भी कोई नहीं सी। ते समा बनिया जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह जी गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदे ने, जहांगीर नूं पछतावा हुंदा अपनी गलती दा। वह माफ़ी मंगण भी आया सी, चंदू नूं हवाले भी किया सी। मुड़ के गुरु जी ने उहदे औगण चतारी नहीं। वह वक्त आया इतिहास दसदा, कहिंदे जदों जहांगीर जा रहा सी ना जंगल विच, एकदम उहदे अगे शेर आ गया। जहांगीर दे सामने एकदम शेर आया, शेर हमला करन लगे, जहांगीर कंब गया क्योंकि एकदम आया, कोई तैयारी नहीं जहांगीर दी। वो अचनचेत जा रहा सी। जदों एकदम शेर ने हमला किया, जहांगीर ने अपनी अखां बंद कर लिया, इहदा शरीर कंब गया ते उस शेर नूं एक ढाल ने रोके है, ते ऐसा कृपान दा वार कीता कि शेर नूं दुफाड़ करके सुट दिता। वो किन्ना दी ढाल सी? धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दी। जहांगीर वो है जिन्हें सतगुरु जी दे पिता नूं शहीद कीते, पर गुरु हरगोबिंद महाराज जी जदों शेर जहांगीर ते हमला करन लगदा ना, अंदर कोई बैर नहीं है, अपनी ढाल दे नाल, अपनी कृपान दे नाल उस शेर नूं धरती ते सुट देने ते जहांगीर दी जान बचा देंदे ने। ऐसे गुरु जी नाल जदों आपां जुड़ांगे, जिहड़े उहदे नाल जुड़दे ने, फिर उहनां ते किन्नियां बख्शां हुंदियां होणगियां। जुड़िए ना, पिछले औगण नहीं चितारे जांदे, पिछले मेहणे नहीं दिते जांदे। फिर जदों मन करके कोई माफ़ी मंगे, हाँ जे आउंदा ही आकड़ के आ भी पिछले औगणां दा कोई पछतावा नहीं, होर अगे दी अगे करी जा रही है, फिर ते गुरु जी ने यह भी सिखाया ना जुलम करना है ते ना जुलम सहना है। जिथे जुलम करना पाप है, जुलम सहना भी महापाप है। पर सतगुरु अंदरों निरवैर है, अंदर किसी नाल बैर नहीं। जे कोई चढ़ के आउंदे नूं जवाब देना बनदा है, पर अंदर कोई बैर भावना नहीं। जे कोई डिग के पानी मंगदा है ना गुरु दे दरबार विचों, भाई कन्हैया जी भज के दुश्मनां नूं पानी पिया दिंदे ने, गुरु जी मलम पट्टी दे दिंदे ने। पुत जिथे पानी पियो ना, मलम पट्टी भी कर दिया कर जिथे जख्म हुंदे ने। अंदरों निरवैर है। सो फिर आपां भी ऐसे सतगुरु नाल जुड़ जाइए, फिर अपने ते भी बख्शिश होगी ना। मैं ते अक्सर कहनी हुंनी आ, हर एक दिमाग दीवान दी समाप्ति दे उत्ते भी जदों भी अपने सकियां दे घर विच कोई प्रोग्राम हुंदा है ना, मान लो अपने घर विच दस जाने ने, सके चाचे ने अपने पुत दा ब्याह करना है। हुण चाचे दे घर विच ब्याह है, प्रोग्राम है, ते अपने घर विच दस मैंबर ने, ते किन्ने जाने जावांगे जी? आप जी दे इलाके विच किन्ने जाने जांदे आ जी? एक वीर की आवाज आई है, भैनों तुसी भी दस दिओ किन्ने जांदे ने? सारी जाने आ, सका चाचा है, भाईचारक सांझ है, जाना भी चाहिए। बच्चे भी जाते ने, बजुर्ग भी जाते ने। बजुर्गों तो आप पहले ही छड आने, बजुर्ग भी कह देंगे ने पुत पहले ही उतारा उन्होंने घर, कितने तुहाडा चाचा गुस्से ना हो जाए। चुल्हे न्यौंदा हुंदा है सकियां दे तां, सकियां इदां ही हुंदा है ना, सहुरे पहुँच जाने, पहुँचना भी चाहिए। तो जे दूर की रिश्तेदारी विच होवे फिर भी सारे जाने, फिर तो एक अद्धे मैंबर की ड्यूटी लाने। बापू जी बेबे जी तुसी शगन दे आए हो, कई बार तो शगन भी महीने दो महीनों बाद फड़ा के आने, सके नहीं ना है दूर देने। तो सकियां दे जाना जरूरी समझदे, जाना भी चाहिए। हुण इमानदारी नाल दस्सियो, गुरु नानक साहब महाराज जी अपने सके ने जां दूर दे ने? दसो भाई, सके ने कि दूर दे ने? सके आ ना, सकियां तो भी वध के ने।
ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤੱਤੀ ਬਾਓ। ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਤੀ ਬਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸ਼ਰਨਾਈ ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਨੇ, ਸਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ, 3 ਰੋਜ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਨਾ, 2 ਦੀਵਾਨ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 7 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ 7 ਦਾ ਅਰਥ 100 ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੰਦਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ 1 ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 7 ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਹੋਣ। ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, 1-1 ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਾਂ। ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਘਾਲਿਆ ਹੋਇਆ 1 ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਤਿਲ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਜੇ ਆਨ ਲਾਗੇ ਸੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰੋਤ, ਕਰ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ। ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ, ਕਰ ਜੋਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ। ਹਰ ਰੱਖੋ ਕੰਠ ਪਰੋਤ, ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਾਰ ਬਾਹਰੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਆਪੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।